इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। अम्मोनियों पर विजय। इसके बाद अम्मोनिया का राजा नहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि हनुन के पिता नहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हनुन के पास उसे शांति देने को आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम हनुन से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढाण करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? तब हनुन ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हनुन और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी अरम हरेम और अरमाक्का और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी गई है, योआब ने सब बड़े बड़े इसराइली वीरों में से कितनों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। और उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। फिर यह देखकर कि वे इसराइलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यर्दन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इसराइलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इसराइलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही।